विघ्नध्वान्त निवारणैक तरणिर्विघ्नाटवीह व्यवाट विघ्न व्याल कुलाभिमान गरुडो विघ्नेव पंचानन विघ्नो तुंग गिरि प्रभेदन पविर विघ्नाम्बुधेर्वाडवो विघ्ना घौग घन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातुनः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देखिए हमारे पास में इस बार कई प्रश्न हैं। बंगाल से राजवंशीय कश्यप गोत्रीय सामवेदीय सांभव सिंह क्षत्रिय हैं, इनका प्रश्न है। आचार्य जी प्रणाम। मेरा मूल प्रश्न है कि क्या ब्राह्मणों को पनीर खाने का निषेध है? ब्राह्मण लोग पनीर खा सकते हैं क्या? अगर खाना हो तो इसका प्रायश्चित क्या है? इनका तो ये प्रश्न है। इसी संदर्भ में आप देखिए कि शास्त्रों में बहुत से पदार्थ निषिद्ध किए गए हैं कि इनका भोजन नहीं करना है। उनके कई कारण हैं। कुछ कारण तो ऐसे हैं कि जिनका शास्त्रों में निषेध ही है, मूलतः नाम लेकर के निषेध कर दिया गया है। कुछ जो भक्ष्य पदार्थ हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। जो शास्त्रों में पदार्थ तो भक्ष्य बतलाए हैं, खाने योग्य हैं, लेकिन उनको किसी पात्र विशेष में रख देने पर या हाथ लगा देने पर या उन दो भक्ष्य पदार्थों का मेल कर देने पर भी अभक्ष्य हो जाते हैं और गोमांस तुल्य हो जाते हैं, बिल्कुल अपेय और अभक्ष्य हो जाते हैं। आप समझे? माने जो शास्त्रों में खाने योग्य तो वस्तुएं बतलाई हैं कि उन्हें खा सकते हैं, लेकिन उनको हाथ लगा दिया गया, हाथ से ले लिया गया, हाथ से दे दिया गया तो अशुद्ध हो जाए, या दो पदार्थों को मिला दिया गया कि भाई हमने ये और ये दोनों चीज मिला, खाने योग्य है, शहद भी खाने योग्य है, घृत भी खाने योग्य है, और मिला दिया तो वह अभक्ष्य हो जाएगा इस तरीके से। और कुछ ऐसे हैं कि जो ठीक तो पदार्थ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको मिट्टी के बर्तन में रख दिया तो अशुद्ध हो जाएंगे। कुछ ऐसे पदार्थ हैं कांस्य के पात्र में रख दिया तो अशुद्ध हो जाएंगे। कुछ ऐसे भक्ष्य पदार्थ हैं जो शुद्ध हैं, लेकिन किसी वृक्ष के पत्ते पर रख दिया, वो पत्ते विशेष हैं, तो अशुद्ध हो जाएंगे। कुछ लौह चांदी के पात्रों में रखने पर, ताम्र पात्र में रखने पर अशुद्ध अपेय अभक्ष्य हो जाते हैं। वे क्या क्या पदार्थ हैं उनको हम सुने समझे। इसी के अंतर्गत ये पनीर भी आएगा, है ना? और उसकी जो जो संज्ञा हो जाएगी कि वो तो साहब गोमांस के समान हो जाएगा, वो मदिरा के समान हो जाएगा, तो उनके पान करने में, उनको भक्षण करने में जो मदिरा का या गोमांस आदि भक्षण के पातक बतलाए गए हैं वैसा ही प्रायश्चित शास्त्रों में लिखा है। तो अब आप ये देखिए कि ये किस तरीके से ऐसा होता है। देखिए एक बात लगे हाथ और बतला दें कि सामान्य रूप से ये बात है कि गव्य पदार्थ जो होते हैं, दूध, घृत, दधि आदि, ये ताम्र पात्र में रखने के लिए मना किया गया है। लेकिन कई लोग इसको अपने व्यवहार को छोड़कर के देवताओं के ऊपर भी लागू कर देते हैं, ये गलत है। अर्थात देवताओं के लिए अगर आपको शिव जी का स्नान कराना है या किसी भी देवता का दूध से स्नान कराना है, दुग्धाभिषेक करना है, तो आप ताम्र पात्र से कर सकते हैं। तर्पण करना है, स्नान कराना है, अभिषेक करना है, तो वे या गाय दुहना है, समझ रहे ना, गोदोहन आप ताम्र पात्र में भी कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। कात्यायन जी का हिमाद्री के जो है ग्रंथ में, प्रायश्चित खंड में, चतुर्वर्ग चिंतामणि में ये लिखा हुआ है, और देवल जी का भी जो है वचन है
कि यज्ञ पात्रे तथा दोहे पाके च परिवेशने स्नान तर्पण दानेशु ताम्रे गव्यम न दुष्यते। यज्ञ पात्र में, यज्ञ के निमित्त रखा हुआ ताम्र पात्र में गव्य पदार्थ दूध दही घृत दोहे दोह, अगर आप गाय का दोहन ही उस पात्र में कर रहे हैं तो पाके कोई पाक देवता के लिए निर्माण किया जा रहा है, परिवेशने यह ताम्र पात्र से उसके चमचे से या उसके चम्मच से आप परोस कर रहे हैं परिवेश कर रहे हैं, और स्नान तर्पण दानेसु देवताओं के स्नान में देवताओं के तर्पण में और किसी को दान करने में ताम्रे गव्यम न दूष्यति, ताम्र में रखा हुआ गव्य पदार्थ दूषित नहीं होता है। और अपने उपभोग के लिए ताम्र पदार्थ में यदि रख लिया तो दूषित हो जाता है। गव्यम च ताम्र पात्रस्थम सर्वम मध्यम घृतम बिना, ध्यान देना, लेकिन गव्य पदार्थ में घी भी आता है तो अपने लिए या कहीं भी घी के लिए दोष नहीं है, घृतम बिना, ठीक है ना। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्रीखंड श्री कृष्ण खंड में के गव्यम च ताम्रम ताम्र पात्रस्थम सर्वम मध्यम मदिरा के समान माना गया। अपने लिए यदि कोई ताम्र पात्र में दूध रख करके पीता है दही रख करके खाता है तो वो जो मदिरा के समान है। अयिक्षवम ताम्र पात्रस्थम सुरातुल्यम न संशया, ताम्र पात्र में और देखिए, अगर कोई अयिक्षवम, अयिक्षवम माने होता है गन्ने का रस, ताम्र पात्र में रखा हुआ है तो वो भी सुरातुल्यम मदिरा के समान माना जाता है। ताम्र पात्र में इक्षु रस नहीं रखना है। और देखिए कि अर्क पात्रे तथा पृष्ठे आयसे ताम्र भाजने करे करपट के चैव भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत, अग्नि पुराण में बोल अर्क पत्रे अकौए के पत्ते पर और पृष्ठे, पृष्ठे का अर्थ किया गया है कदली पत्रादि पृष्ठे, पैठी नसी ने ऐसा अर्थ किया है आचार्य पैठी नसी कि जो कदली वृक्ष है माने केले के पत्ते के उल्टे उल्टे केले के पत्ते पर, और भी वैसे किसी के जो पत्ते शास्त्र में पत्तल के रूप में भोजन करने के लिए विहित हैं जैसे कमल इत्यादि के पत्ते और भी बहुत से पत्ते हैं जो है पलाश इत्यादि के, पर उनके उल्टे करके उन पर भोजन करना वो निषेध है। तो कदली वृक्ष के पत्ते पर उल्टे रूप में रख करके उसमें यदि कोई भोजन करता है और आयसे लोहे के पात्र में और ताम्र भाजने ताम्र पात्र में है ना, तो और करे करपट के चैबा भक्त्वा चांद्रायणम चरे और हाथ पे ही रख करके खा लेता है कोई और उल्टे पत्तों पर लेकर के खाता है तो ये निषिद्ध पदार्थों के जो पात्र बतलाए उनमें भोजन करता है तो भक्त्वा चांद्रायणम चरे, तो ऐसा भोजन करने पर उनको चांद्रायण व्रत करने का प्रायश्चित शास्त्र लिख रहे हैं, अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं करना। अब देखिए चांदी का पात्र बहुत अच्छा है, आजकल लोग चांदी के पात्र में जो है भोजन करना चाहते हैं, चांदी की थालियां लोग रखते हैं जो पैसे वाले हैं, पर वो चांदी के पदार्थों में चांदी के पात्रों में कौन कौन से पदार्थ रखना अशुद्ध है। देखिए कर्पूरम रौप्य पात्रस्थम अभक्ष्यम श्रुति सम्मतम, कपूर से बने हुए कोई भी पदार्थ जिनमें कपूर पड़ा हो पान इत्यादि या और भी कपूर जो अगर कर्पूर को चांदी के पात्र में रख दिया तो वो देवताओं के लिए अर्पण करने योग्य नहीं रहेगा, अशुद्ध हो जाता, अभक्ष भी हो जाता। एक जो कर्पूर रहता है वो खाया भी जाता है ना, वो कई पदार्थों में गिरता है, पान में गिरता है वो, ये जो आजकल जो बनता है पेट्रोलियम से ये कर्पूर नहीं, वो कर्पूर जो शुद्ध होता है भीमसैनी, वो भीमसैनी कर्पूर की बात है। कई औषधियों में आयुर्वेद में भी भक्ष बतलाया गया है। कांस्य पात्र में निषिद्ध पदार्थ देखिए, कांस्य पात्रा चितंबारी स्नाने च देवतार्चने श्वान मूत्र समम तो यम पुनः स्नाने न शुद्ध्यति, यदि कोई कांस्य पात्र से स्नान कर लेता खुद या देवताओं को करा देता, स्नाने च देवतार्चने अपने स्नान आदि में
और देवता के अर्चन में प्रयोग कर देता है, अर्थात कांसे के कटोरे में घृत इत्यादि तो भर सकते हैं लेकिन जल नहीं भरना चाहिए। अगर वो जल भर दिया और पी लिया या देवता पे चढ़ा दिया तो वो कुत्ते के मूत्र के समान माना गया है। स्वान मूत्र समम तोयम पुनः स्नान शुद्ध्यति, तो उसका प्रायश्चित बतला रहे हैं कि पुनः स्नान करिए है ना, और शुद्ध करिए, पंचगव्य इत्यादि का पान करिए। अब देखिए लौह पात्र में, लोहे के पात्र में क्या क्या नहीं रखना है। लौह पात्रेषु यत् पक्वम् तदन्नम् काक मांसवत्, लोहे के पात्र में पकाया गया कोई चावल या पापय पदार्थ, गव्य पदार्थ, यानी कोई लोहे के पात्र में आपने खीर बना ली या चावल बना लिए, तो वो जो है काक मांस के समान हो जाता है। ये प्रजापति स्मृति में 113 में श्लोक के रूप में कहा गया है। आयसेन तु पात्रेण यदन्नम उपदीयते अन्नम विष्ठा समम भोक्तुर दाता च नरकम ब्रजे। देखिए अगर लोहे के चमचे से यदि कोई पायस पदार्थ गव्य पदार्थों को परोस भी देता है ना, परोस देते ना दूसरे को लोहे के चमचे से, तो क्या हो जाता है कि वो अन्न जो है विष्ठा के समान माना गया और जो खाने वाले के लिए तो विष्ठा के समान है और जो देने वाला है वो भी पातकी। क्यों दे रहे भाई? दाता च नरकम ब्रजे, दाता नरक में जाता है, इसी लौह पदार्थ से नहीं परोसना है। अब देखिए हाथ से ये पदार्थ न देना है और ना ही हाथ से लेना है, हाथ में लेना नहीं है, हाथ से देना नहीं है। लवणम व्यंजनम चैव घृतम तैलम तथैव च लेयम पेयम च द्विविधम हस्तदत्तम न भक्षयेत्। आनेक सूत्रावली में धर्म सिंधु के तृतीय जो अब चरण है उसमें और पूर्वांग में, उसके भी पूर्वार्ध में कहते हैं लवण माने नमक और भी कोई व्यंजन दुग्ध इत्यादि से बने हुए पदार्थ, घी तेल लेह कोई भी अवलेह है चटनी इत्यादि और पय दूध, ये हाथ में ना देना है ना हाथ से लेना है, पात्रांतर से ही देना है, पात्रांतर में ही लेना चाहिए। और देखिए ब्रह्म वैवत पुराण में श्री कृष्ण खंड में 85वें अध्याय में पानीयम पायसम चूर्णम घृतम लवणमेव च स्वस्तिकम गुडम गुडकम चैव क्षीरम तक्रम तथा मधु हस्त हस्ताधस्त गृहीतम च सद्यो गोमांसमेव च। इनको हाथ से हाथ में नहीं लेना है, पानी कोई हाथ से देता है तो हाथ में नहीं लेना है, खीर भी हाथ से दिया हुआ हाथ में नहीं लेना है, कोई भी चूर्ण घृत लवण नमक भी हाथ से हाथ में नहीं देना लेना है। स्वस्तिक माने मट्ठा इत्यादि और गुड़कम गुड़ का व्यवहार देखिए प्रायः लोग हाथ से देते हैं हाथ में ले लेते हैं, अगर कोई हाथ से दे भी रहा है तो हाथ में नहीं लेकर के पात्र में लेना है, हाथ से न दे और न हाथ में ले, अगर हाथ से दे रहा है तो हाथ में लेना नहीं है गुड़ के लिए, ये बात है। इसी तरीके से दूध आदि की बात है, मधु की भी बात है और हस्त दस्त हस्ताधस्त गृहीतम च सद्यो गोमांस में बच, हाथ से दिया और हाथ में लिया तो सद्य गोमांस में बच तुरंत ही गोमांस के समान हो जाता है, इसलिए ये कार्य नहीं करना है। पायसम पानीयम पायसम जी बात हो गई। इसी तरीके से अब देखिए दो भक्ष्य पदार्थों का अभक्ष्य योग, जो भक्ष्य पदार्थ है वे अगर दो से मिला दिए जाएं तो वे गड़बड़ हो जाते हैं। अभक्ष्यम मधुमिश्रम च घृतम तैलम गुडम तथा आर्द्रकम गुड संयुक्तम अभक्ष्यम श्रुति सम्मतम, यानी दूध और घी मिला दिया आपने, मधु मधु और घी मिलाने के बाद मदिरा के समान हो जाता है, तेल और गुड़ मिलाने पर मदिरा के समान हो जाता है, दही और गुड़ मिलाने के बाद मदिरा के समान हो जाता है, अदरक और गुड़ मिलाने पर भी मदिरा के समान हो जाता है, दूध और गुड़ लोग दूध और गुड़ मिला के पीते हैं वो भी मदिरा के समान हो जाता है,
दूध और नमक भी मदिरा के समान हो जाता है। तो वैसे पनीर आप ले सकते हैं, यद्यपि पनीर को इस तरीके से खाना भी शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन सामान्य रूप से पनीर खाया जा सकता है, लेकिन पनीर की सब्जी नहीं, क्योंकि सब्जी में नमक रहता है और पनीर दुग्ध है, तो दूध का और नमक का संयोग होने पर वो मदिरा और गोमांस के समान शास्त्रों में बतलाया गया है, इसलिए पनीर की सब्जी नहीं खाना चाहिए और पनीर को नमक से नहीं खाना चाहिए किसी से भी। इसलिए वैसे ही पनीर का या तो कोई चीनी या खांड से या शर्करा से अगर युक्त करके खाना चाहता है तो खा सकता है, लेकिन नमक से संयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर हर महादेव।